कार कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप मैं हूं आपके साथ पूजा नौ साल पहले यानी साल 2014 का यही मई का महीना था और एक शख्स राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहा था जिनका नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी नरेंद्र मोदी का सत्ता में आना यानी बीजेपी का सत्ता में आना इस लिहाज से ऐतिहासिक पल था क्योंकि 1984 के बाद पहली बार कोई सरकार अपने दम पर सत्ता पर काबिज थी पर ये बात सबसे ज्यादा कांग्रेस पार्टी को चुभी क्योंकि कांग्रेस पार्टी अपनी अग्नि परीक्षा में फेल हुई हर चुनौती हर उतार चढ़ाव को पार कर मोदी सरकार के अब नौ साल पूरे हो गए हैं एक तरफ बीजेपी नौ साल बेमिसाल का जश्न मना रही है तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी नौ साल नौ सवाल पूछकर मोदी सरकार पर हमला बोल रही है हालांकि बीजेपी का कहना है कि ये नौ सवाल झूठ का बड़ा

देखिए ये जो नौ सवाल पूछे गए हैं उससे दो निष्कर्ष निकाला जा सकता है पहली चीज ये राहुल गांधी तो आज चले गए अमेरिका और वहां पे उनका एक भाषण होना है न्यूयॉर्क के अंदर अब इसमें जो सबसे बड़ी दुविधा ये है कि वहां जाकर के वो बोलेंगे क्या और आज वो भाषण चार तारीख को है न्यूयॉर्क के अंदर मैं आज आपको बता देता हूं कि वो दरअसल इन नौ सवालों के ऊपर ही प्रधानमंत्री के ऊपर भाषण देंगे नौ सवाल अगर राजनीति में अगर आप पूछ रहे हो तो ये कांग्रेस पार्टी की कंफ्यूजन की स्थिति दिखा रहा है आपके पास एक एजेंडा नहीं है कि जिसके तहत आप उनको घेरोगे नौ सवाल ऐसे बचकाने सवाल हैं जो फ्रस्ट्रेशन से निकल रहा है क्योंकि तथ्य सच्चाई आपके साथ नहीं है झूठ प्रोपेगेंडा और दलाल पत्रकारों के जरिए आप एक नैरेटिव क्रिएट करना चाह रहे हो कि देश में सब कुछ खत्म हो गया दुनिया कुछ और कह रही है देश की जनता कुछ और कह रही है और कांग्रेस पार्टी एक अलग क्रिएट करने की कोशिश में जुटती तो क्या है वो नौ सवाल एक एक करके जरा चर्चा भी कर लेते हैं तो क्या है कांग्रेस के वो नौ सवाल उस पर एक नजर डालते हैं पहला सवाल है अर्थव्यवस्था को लेकर कांग्रेस पार्टी पूछ रही है कि ऐसा क्यों है कि देश में महंगाई और बेरोजगारी आसमान छू रही है क्यों अमीर और अमीर हुए है और गरीब और गरीब ये सवाल तो लाजमी है देखिए सवाल लाजमी है लेकिन कच्चे सवाल है इनके पास तो बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट बैठे हुए हैं तो आप नेशनल पार्टी हैं देश का प्रधानमंत्री बनना चाह रहे हैं और आप इस तरह के बचकाने सवाल करेंगे तो कैसे काम चलेगा इकॉनमी डूब गई इकॉनमी खराब हो गया भाई दुनिया का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी क्या है कौन सा देश पूरी दुनिया में सबसे तेजी से ग्रो कर रहा है हिंदुस्तान है क्या चाहते हो भाई इकॉनमी बर्बाद हो गई वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी और आप कह रहे हो कि मैं सब कुछ चौपट हो गया दूसरी चीज जी ट्वेंटी तमाम बड़ी इकॉनमी है बीस देश कोई एक ऐसा देश का नाम बता दीजिए कि जहां इन्फ्लेशन हिंदुस्तान से कम हो लेकिन कांग्रेस पार्टी कह रही है अमीर और अमीर हुए हैं ये वैचारिक दृढ़ता की वजह से ये सवाल और ये इस तरह की चीजें निकल रही हैं ये सवाल पे मैं आऊँगा कि जो ये आर्गुमेंट दिया जा रहा है ये नैरेटिव है फैक्चुअल नहीं है ये एक विमर्श तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं जो सच्चाई से बिल्कुल परे है एक बात और मैं बता दूं इकोनॉमी की ही बात आई अभी पूरी दुनिया में ये तो अमेरिका जा रहे हैं बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट से बातचीत करते हैं ये दिखाने के लिए मैं देख रहा था वीडियो जो अमेरिका में वीडियो जो चलाया जा रहा है कि एक विजनरी स्टेट्समैन बना दिया है राहुल गांधी को हिंदुस्तान में कोई पूछता नहीं है अमेरिका में जो है आपको विजनरी स्टेट्समैन बना दिया पता नहीं क्या है लेकिन एक बात जो समझने की है पूरी दुनिया में रिसेशन का खतरा है यूरोप के अंदर तो महामारी है फ्रांस में तो तबाही मची हुई है ब्रिटेन में तबाही मची हुई है इंडिया इज द ओनली मेजर इकोनॉमी इन द वर्ल्ड जो मंदी के मार से पूरी तरीके से बाहर है जीरो परसेंट प्रोबेबिलिटी यह कैसे हो गया यह क्यों हो गया इकोनॉमी की तबाही से या फिर अच्छे इकोनॉमिक मैनेजमेंट की वजह से कांग्रेस पार्टी को इसलिए मैं कह रहा हूं कि सवाल पूछा तो आपने ठीक किया सवाल पूछना चाहिए लेकिन सवाल घटिया नहीं होना चाहिए जी बिल्कुल दूसरा सवाल कृषि और किसान से जुड़ा है कांग्रेस पार्टी पूछ रही है कि ऐसा क्यों है कि पिछले नौ सालों में भी किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई काले कानूनों को रद्द करते समय किसान संगठनों के साथ हुए समझौतों को अभी तक लागू क्यों नहीं किया गया एमएसपी की गारंटी क्यों नहीं दी गई एक बार फिर से ये किसान आंदोलन याद दिला रहे हैं देखिए बहुत ही अजीबो सवाल आपने कर दिया नौ साल में किसानों की आय डबल क्यों नहीं हुई यह प्रधानमंत्री का वादा था बिल्कुल सही बात है लेकिन प्रधानमंत्री के विजडम के ऊपर आपको विश्वास करना पड़ेगा ना फिर जिन कानून की वजह से आय डबल होने वाली थी ये जो माफिया कृषि के क्षेत्र में ऑपरेट करते हैं उससे मुक्ति मिलने वाली थी जहां टेक्नोलॉजी का संचार होता कृषि के अंदर मार्केट से उसे जोड़ा जाता आपने उन कानून के खिलाफ जो है अपने दलालों को उतार दिया मैदान में कानून बंद कर दो और उसके बाद पूछो भाई और आपने एमएसपी की बात कही तो मैं लिख करके लाया हूं भाई इकोनॉमी ये जो एमएसपी के बारे में जो ये लोग बात करें एमएसपी की गारंटी एमएसपी की गारंटी क्या होती है एमएसपी की गारंटी क्यों इस देश को वेनेजुएला बनाना है मुफ्तखोरी आप जो है उसको आप एक पॉलिसी बनाना चाह रहे हो आप जिस एमएसपी दिया करते थे 2014 में एमएसपी जो है राइस के ऊपर आपके जमाने में 1360 रुपए था अभी ये 2040 में 1360 2040 साठ पैटी के ऊपर 1400 में आप देते थे किसानों को एमएसपी उस वक्त अभी 2060 है बढ़ा नहीं या घट गया आप अजीबोगरीब गरीब फर्क देते हो किसानों के ऊपर आपने अत्याचार किया है सवाल तो उल्टा पूछना चाहिए कि आपके इस घटिया आंदोलन दलालों के जरिए वामपंथियों के जरिए बैठ करके आपने सरकार से ये जो तीन कानून को वापस आपने करवाया उससे जो मंझले जो किसान थे जिनके क्रोध से हिंदुस्तान का भी ग्रोथ होगा इकोनॉमी की भी और हमारा जो रूरल इंडिया जो है वो भी ग्रो करेगा आपने उसे ही रोक दिया तो फिर अब ये सवाल पूछने का कोई लेजिटिमेसी आपके पास है नहीं जी बिल्कुल तीसरा सवाल भ्रष्टाचार मित्रवाद से जुड़ा है राहुल गांधी पूछ रहे हैं कि अडानी की फर्जी कंपनियों में बीस हजार करोड़ किसके हैं ये राहुल गांधी का फेवरेट सवाल है देखिए भ्रष्टाचार के ऊपर तो कांग्रेस पार्टी शुड बी द लास्ट पार्टी टू स्पीक अबाउट इट वीडियो बड़ा लंबा हो जाएगा अगर कांग्रेस पार्टी के घोटालों के बारे में अगर चर्चा करने जाए बीस मिनट लग जाएगा सिर्फ घोटाले का एक एक लाइन बोलने में तो इसलिए इनको तो बोलना ही नहीं चाहिए जो व्यक्ति जिस पार्टी के सर्वे सर्वा ये तो कांग्रेस पार्टी क्या है एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ऑफ गांधी परिवार अब गांधी परिवार का सारा व्यक्ति बेल के ऊपर बाहर है उनको तो भ्रष्टाचार के बारे में बोलना ही नहीं चाहिए जी बिल्कुल चौथा सवाल चीन और राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर है कांग्रेस का आरोप है कि चीन को लाल आंख दिखाने की बात करने वाले प्रधानमंत्री ने उसे 2020 में क्लीन चिट दे दिया है राहुल गांधी का चीनी प्रेम तो सबको पता है पर यह कैसे आरोप लगा देखिये चीन के ऊपर राहुल गांधी जब बोलते हैं तो मुझे बीजेपी से बड़ा शिकायत है बीजेपी को एक सवाल पूछना चाहिए भाई चीन में मकाऊ नाम का एक जगह है वहां राहुल गांधी का क्या रिश्ता है ये चोरी चोरी चुपके चुपके जो गायब हो जाते हैं मकाऊ से उनका क्या रिश्ता है यह बताया जाए यह भी बताया जाए कि भाई अब तक बीजेपी ने क्यों नहीं ये जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से चाइनीज एम्बेसी से चीन की सरकार से अपने घर के अंदर घूस के रूप में राजीव गांधी फाउंडेशन में जो पैसे ले रहे थे इसके ऊपर सरकार क्यों नहीं कुछ बोल रही यह भी जानना जरूरी है कि जो कांग्रेस पार्टी ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ एमयू साइन किया उस एमयू में क्या है यह भी सरकार नहीं बता रही है तो चीन के ऊपर यह तो सवाल पूछेंगी और ये सवाल इसलिए पूछा जाता है ताकि कांग्रेस पार्टी यह नहीं चाहती कि हिंदुस्तान की सेना का गौरव और हिंदुस्तान के जो सैनिक हैं उनका मनोबल वो अपने उरोज पे रहे कारण क्या है ये राहुल गांधी बोल के चले जाते भाई तवांग में पिट जा रहा है दलवान में हमारे लोग भाई दुनिया की अकेली आर्मी है हिंदुस्तान की कि जिसने चीन के एक लाख ट्रुप्स जो गलवान के पास आ चुके थे अंदर घुसने की चेष्टा कर रहे थे उस घटना के बाद एक लाख ट्रुप जो है चाइनीज ने एडवांस किया और खाली हाथ उसे वापस लेके जाना पड़ा कभी सुना है ऐसा कभी हुआ है कभी कहीं नहीं हुआ तो ये राहुल गांधी के साथ दिक्कत क्या है वो इकोनॉमिस्ट भी हैं वो डिफेंस एक्सपर्ट भी हैं तो बहुत सारी चीजें हैं मैं तो इंतजार कर रहा हूँ अमेरिका पहुंचे और वहां जाकर के वहां कुछ भाषण दे जितना वो बोलेंगे चुनावी फायदे के लिए जानबूझकर बंटवारे की राजनीति को हवा दी जा रही है और समाज में डर का माहौल बनाया जा रहा है कौन डर रहा है कांग्रेस डर रही है भाई आप जो है फुरफुरा शरीफ के साथ अलायंस करो बंगाल में जी। बदरुद्दीन के साथ जो है आप असम में अलायंस करो केरल में आप मुस्लिम लीग के साथ अलायंस करो और कर्नाटका में जो बैंड ऑर्गेनाइजेशन है पीएफआई उसका एक पॉलिटिकल पार्टी है पॉलिटिकल विंग है एसडीपीआई उससे जो है पर्दे के पीछे टैसिड अंडरस्टैंडिंग एक अलायंस करके उसके लोगों को तुम टिकट दो ये सामाजिक समरसता का कर... यह है मुस्लिम वोट बैंक के चक्कर में कांग्रेस पार्टी बहुत कुछ खो चुकी है और यही हाल रहा तो अभी और इनकी दुर्गति होने वाली है जी छठा सवाल सामाजिक न्याय का है महिलाओं दलितों एससी एसटी, ओबीसी और, और अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रहे अत्याचारों पर प्रधानमंत्री चुप रहते हैं वो जाति जनगणना की मांग को क्यों नजरअंदाज कर रहे हैं ऐसे सवाल पूछ रहे हैं देखिए ये जो अत्याचार का मसला है लॉ एंड ऑर्डर का मसला है ये सवाल इसलिए पूछा जा रहा है कि वो लिंचिंग ये वो जो प्रोपेगेंडा ये जो वामपंथी उठाते ये लॉ एंड ऑर्डर का मसला है अपने मुख्यमंत्री को बताना चाहिए भाई राजस्थान के अंदर में सरतंत्र जुदा हो गया आप चूड़ियां पहने हुए थे बयान क्यों नहीं आया आपने कंडेम किया वो भी तो एक ओबीसी था तो आपके अधिकार क्षेत्र में आपके राज्यों में दलितों के ऊपर अत्याचार हो तो वो दलित नहीं होते महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो भाई एक बेटी को किस तरीके से गैंग रेप किया गया राजस्थान के अंदर में और गहलोत साहब का बयान उन्होंने कह दिया कि होता रहता है छोटी मोटी है वो लड़की ही कैरेक्टरलेस थी इस तरह की बातें आप कर दोगे तो आपके राज्य में अगर कुछ होता है तो दलित दलित नहीं होता मुस्लिम मुस्लिम नहीं होता हिंदू हिंदू नहीं होता आपको सिर्फ राजनीति करनी है इस तरह की घटनाओं के ऊपर यह दिक्कत है कांग्रेस पार्टी की सातवें सवाल में लोकतांत्रिक संस्थाओं को लेकर पूछा गया है विपक्षी दलों और नेताओं के खिलाफ बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही है यह कांग्रेस का आरोप है देखिए इंस्टीट्यूशन के ऊपर यह जो बड़े बड़े सवाल ये जो दागते हैं राहुल गांधी को समझ में नहीं आता कि इंस्टीट्यूशन होता क्या है अगर ऐसा होता तो पार्लियामेंट के प्रति जो डिसरिस्पेक्ट इन लोगों ने दिखाया ये काम ये लोग नहीं किए होते ये काम ये नहीं किए होते आप सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के ऊपर मीम्स बनाते हो उसके साथ खड़े हो जाते हो आपके खिलाफ कोई फैसला आता है आप कहते हो भाई सुप्रीम कोर्ट जो है वो आरएसएस का एक विंग बन गया चुनाव होते हो तो कहते हो भाई इलेक्शन कमीशन बिक गया इंस्टीट्यूशन के बारे में कैसे आप बात करोगे आपके पास कोई मैंने कोई ऐसा कारण नजर नहीं आ रहा कि आपके इन सवालों का जवाब दिया जाए उल्टा आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि इंस्टीट्यूशन कितने इंपॉर्टेंट होते अगर यही होता तो पूरा कांग्रेस पार्टी जो है जो कल नई संसद का उद्घाटन हुआ वहां पे ये लोग खड़े होते लेकिन प्रधानमंत्री मोदी से घृणा ही इतना ज्यादा है कि दे आर ब्लाइंडेड विद हेट इसलिए इनको सही गलत पहचानने के सारे जो हुनर होते हैं वो खत्म हो गए सवाल में कांग्रेस पूछ रही है कि ऐसा क्यों है कि बजट में कटौती करके मनरेगा जैसी जन कल्याण की योजनाओं को कमजोर किया गया गरीब आदिवासी एवं जरूरतमंदों के सपनों को क्यों कुचला जा रहा है क्या मनरेगा खत्म नहीं हुआ है मनरेगा से भ्रष्टाचार खत्म हुआ है आप काम नहीं करोगे पहले क्या हो रहा था लूट मच पहले कोई गांव में मुखिया बन जाता था छह महीने में स्कॉर्पियो पर चल रहा होता था क्यों ये मनरेगा के पैसे से लूट कहीं कुछ नहीं तालाब बन भी गया कागज पे और बारिश के बाद वो तालाब भर भी गया कागज पे और पैसा ये कांग्रेसी चट्टे बट्टे ये जो मनरेगा के नाम पे जिस तरीके से मनमोहन सिंह की सरकार ने भ्रष्टाचार को ऊपर से लेकर के पंचायत स्तर तक पहुंचाया है यह अपने आप में कमाल है प्रधानमंत्री मोदी आए क्या किया उन्होंने इन्होंने कहा पैसे देंगे बंद नहीं कर रहे हैं लेकिन जो काम होगा व्हाट्सएप पैसे कैश नहीं दिए जाएंगे पैसा जाएगा मजदूरों के गरीबों के अकाउंट में तो लीकेजेस खत्म हो रहे हैं ऐसा नहीं कि पूरा लीकेज खत्म हो गया है अभी भी उसमें कुछ समस्याएं हैं लेकिन बहुत हद तक आपने कंट्रोल किया तब जब काम ही नहीं होगा तो पैसा कैसे रिलीज होगा ये चाहते हैं कि हर मुख्यमंत्री ये नीतीश कुमार टाइप के लोग जिनको कामधाम कुछ करना है नहीं उनको लगता है कि भाई सेंटर से सिर्फ पैसा आता रहे और ये लूट मचाते रहे ये प्रधानमंत्री मोदी ने बंद कर दिया है इसलिए मिर्ची लगी जी और आखिरी सवाल में कुछ समझ में नहीं आया तो कोरोना मिसमैनेजमेंट को लेकर सवाल पूछ रहे हैं कोरोना के ऊपर एक बात समझ लीजिए जब ये इसकी शुरुआत हुई थी यही एनडीटीवी यही टीवी एटीन ये दलाल पत्रकारों के बड़े बड़े चौचलेबाजे एक से एक कोई कोई एक्सपर्ट आ जा रहा था कह रहा था कि कम से कम पैंतालीस करोड़ लोगों की मौत 45 करोड़ लोगों की मौत होगी और किसी भी तरीके से पच्चीस करोड़ तो कहीं नहीं जा रहा आप निकालिए एनडीटीवी के वीडियोज उस जमाने के एक से एक वायरोलॉजिस्ट आ जा रहे थे पैदा हो जा रहे थे हो जाता वो गलत नहीं थे लेकिन उन्होंने यह नहीं सोचा था कि यहां नरेंद्र मोदी नाम का एक व्यक्ति है जो इस पूरी चीज को रोकेगा प्रधानमंत्री मोदी की वजह से हिंदुस्तान बच गया नहीं तो हिंदुस्तान का हर परिवार उसकी साइज हाफ हो जाती जिस चीज के लिए क्रेडिट देना चाहिए धन्यवाद देना चाहिए ये मजाक उड़ा रहे थे कि कहीं से बाहर से ले आओ ये राहुल गांधी यही दलाली तो कर रहे थे वो अमेरिकन वैक्सीन को हिंदुस्तान में लगाओ जल्दी लगाओ फाइजर से दलाली कर रहे थे फाइजर की क्या हुआ फाइजर फेल हो गया सबसे टॉप वैक्सीन कहां बने हिंदुस्तान में बना और उस वजह से हम लोग अभी आपसे बातचीत कर पा रहे हैं और आप हमें सुन पा रहे हैं पता नहीं कौन कहां गया होता कांग्रेस पार्टी ना शुक्रों की टोली हो गई है और यही सारी चीजें जब आप सवालों के रूप में लेकर के आते हैं जनता कहती है कि कांग्रेस पार्टी सुधर नहीं सकती जहां सवाल पूछा जाना चाहिए आपको पूछना चाहिए सवाल दलीलों के साथ होने चाहिए सच्चाई के साथ नैरेटिव क्रिएट करने के लिए आप इस तरह की चीजें करेंगे ये अनकॉल फॉर है बिल्कुल कांग्रेस पार्टी ये सवाल पूछते रह जाएगी 2024 में जनता उनको फिर वही थमाएगी जो पिछले बार थमाई थी जी बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद सर इतनी जानकारी धन्यवाद। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार के नौ साल पूरे हुए जिसको लेकर कांग्रेस जमकर राजनीति भी कर रही है कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी से नौ सवाल पूछे हैं पर मोदी सरकार के पास ऐसे सवाल है जिसका जवाब कांग्रेस पार्टी कभी नहीं दे पाएगी पीएम मोदी के नौ साल पर आप अपनी राय कॉमेंट करके जरूर लिखे देखते रहिए कैपिटल टीवी नमस्कार thank you